अरविंद केजरीवाल की इस आवाज पर लब्बैक कहने के लिए आप कितने लोगों के मोटिवेशन को करेंगे? आप कितने लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे? हम 2 लाख को करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंशाल्लाह। इमरान भाई आप? हम इंशाल्लाह पूरी दिल्ली को करेंगे इंशाल्लाह, मोटिवेट करेंगे। तो आप इस मकसद को, ये तो दिल्ली का ही मसला है ना, दिल्ली के दो करोड़ आदमियों करेंगे, ये एक एक इंसान का मसला है। दिल्ली में बच्चे बच्चे का मसला है, ये पूर्ण राज्य का मसला है, किसी एक आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है ये। आज अगर दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चाहिए या होम स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हमें कराना है या अपने फौजियों को 1 करोड़ का मुआवजा देना है, दिल्ली पुलिस के जवानों को अगर कोई हादसा हो जाता है उनके साथ उन्हें मुआवजा देना है, या दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर काम कराना है, या दिल्ली के लोगों को नौकरियां देनी है, तो ये तो दिल्ली के बच्चे बच्चे से, या दिल्ली के बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन देना है, कुछ भी करना है तो दिल्ली के बच्चे बच्चे से जुड़ा हुआ है। 15 साल के शासनकाल में शीला दीक्षित अपने एफर्ट्स के द्वारा पूर्ण दर्जा नहीं दिला पाई, आपके पास ऐसा कौन सा जादू का छड़ी होगी जो आप इसको करा पाएंगे? हमारे पास आम आदमी हमारे कि हम लोग आम आदमी की आवाज़ है, केजरीवाल जी जो है आम आदमी की आवाज़ है। शीला दीक्षित जी ने तो कभी चाहा ही नहीं कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने, इसीलिए 0 है। अच्छा, इसका मतलब आप पूरे आश्वस्त हैं कि आप जो है वो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिला पाएंगे? कब तक दिलाएंगे? एक आपका चैनल है जो जनमन दिखाता है जी, एक आप ही का चैनल है जी, तो जनमन दिखाता है जी। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। हम आपके साथ हैं और हम इंसाफ और हक के साथ हैं, हमारी आवाज़ इंसाफ के साथ। आपकी आवाज़ नकारा खुदा होती है, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया बहुत बहुत, हम आपकी हर उस हक की आवाज़ के साथ हैं जो देश और इंसानियत के लिए काम। आपका चैनल बिल्कुल सच बोलता है। थैंक यू वेरी मच।